अच्छा हुआ प्रभु श्री राम बानरों की सेना लेकर लंका गए थे। अगर इंसानों को ले जाते तो सोने की लंका देखकर आधे तो रावण की पक्ष में हो गए होते। इस बात को हमेशा याद रखना, देश में राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता और घर में स्त्री, ये कभी साधारण नहीं होते, क्योंकि निर्माण और प्रलय इन्हीं के हाथों में होता है। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग अलग क्यों है? क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। इंसानी शब्द के दांत नहीं होते, लेकिन ये शब्द जब काटते हैं ना तो दर्द बहुत होता है। कभी कभी ये घावो इतना गहरा हो जाता है कि जीवन समाप्त हो जाते हैं, परंतु ये घावो नहीं भरते। इसीलिए जीवन में जब भी बोले तो मीठा बोलने की प्रयास करे। पैसा एक ही भाषा बोलता है, अगर आज तुमने मुझे बचा लिया तो कल मैं तुझे बचा लूँगा। पैसा ये भी कहता है, मैं भले ही तेरे साथ ऊपर तक ना जा पाऊँ, लेकिन जब तक मैं नीचे हूँ तुझे ऊपर लेकर जाऊँगा। दूसरों की बुराई सुनना, दूसरे में बुराई या देखना ही स्वयं को दूषित बनाने की शुरुआत है। ये जीवन तब हमें कठिन लगता है जब हम स्वयं को नहीं बल्कि परिस्थितियों को बदलने की प्रयास करते रहते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा क्लेश यही है, पत्नी अपने पति को बदलना चाहती है, पति अपनी पत्नी को, और माँ बाप अपने बच्चों को। यही बदलने की प्रयास जीवन भर लगी रहती है, लेकिन कोई भी अपने आप को बदलना नहीं चाहता। जिस घर में औरत की आवाज मर्द के आवाज से ऊंची हो जाए, उस घर में 2400 घंटे ईश्वर की अभिशाप बरसती रहती है। जो औरत शादी के बाद मायके से गलत ट्यूशन लेती है, वो औरत तलाक की डिग्री जरूर हासिल कर लेती है। जवानी में अपनी पत्नी की इज्जत कर लीजिए, बुढ़ापे में वो आपकी बुढ़ापा सवार देगी, क्योंकि बुढ़ापे में आपका बेटा या आपकी बहू आपका साथ भले ही ना दे, लेकिन आपकी पत्नी मरते दम तक आपका साथ जरूर निभाएगी।